तो ये भाई साहब जो है ना अपने आप को इतना पॉजिटिव करे हैं, मैं देखा हूँ। पहले इतने नेगेटिव थे कि आंख से आंसू भी निकल जा रहे थे इनके। बाद में जब इनको थोड़ा सा सपोर्ट किया गया, उसके बाद में ये पूरा बूस्ट होके आया बंदा। उसके बाद में चेहरे पे कभी भी ये नहीं ले गया, समझ रहे? क्योंकि इन्होंने बहुत मेहनत करा हुआ बंदा। 2 बजे भी डायग्राम बना के डाल रहा था मेरे को, और जाके भी ऐसे ही करना है, क्योंकि इंशाल्लाह। तुम्हारे फादर जो है बहुत उम्मीद लगा के रखे कि मेरा बच्चा जाके काम करता। क्योंकि जब माँ बाप को क्या है ना, हमारे से बहुत उम्मीदें रहती है। क्या आपको अभी नहीं मालूम होगा, जब जिसकी शादी हो गई, जिसके बच्चे रहते हैं उनको मालूम होगा कि बच्चे से कुछ अच्छे एक्सपेक्टेशन रहते हैं उनके, कि हमारा बच्चा पढ़ लिख के अच्छा बढ़ना, आगे बढ़ना, मेहनत करना, किसी के सामने भीख नहीं मांगना, किसी से सामने हाथ नहीं फैलाना। क्योंकि आजकल बच्चे कोई भी काम नहीं करना चाह रहे, सब लोग भाईगिरी करना चाह रहे हैं, है ना, डॉन बनना चाह रहे हैं, या फिर होटल में रूमा बंद करके फटाफट पी लेते करते सो जाते, मतलब काम ही नहीं करना चाह रहे, माँ बाप का नाम बदनाम कर दे रहे। तो इनकी एज ऐसी है, अभी अभी यंग है बहुत, शायद 20-22 साल के भी होंगे कि नहीं पता नहीं। तो इनके फादर को भी इनसे बहुत उम्मीद है। तो हम तो यही चाह रहे हैं कि आप ये काम को देखो, होता क्या है मालूम, जब हम 2 ऑप्शन रख लेते, ठीक है, ये काम को 1 ऑप्शन रख लेते, दूसरा कुछ करेंगे, तो ना इसमें कुछ कर सकते हैं ना उसमें कुछ कर सकते हैं। आपको करना क्या है, करना है तो मेरे को यही करना है। तो पूरा का पूरा फोकस डाल के अगर आप एक ही काम को करेंगे तो बहुत आगे जा सकते हैं आप। तो अपना एक्सपीरियंस बताओ, 20 दिन का कैसा रहा? सर ये फील्ड में सिर्फ 2 ही लोग आते हैं, इनको काम आता है, वो लोग 10 साल से 15 साल से काम कर रहे होंगे, पर उन लोगों के अंदर कोई अपडेट नहीं हो रहा होगा। और कुछ और लोग रहते, वो लोग को कुछ भी नहीं आता होगा, ये काम फ्रेशर है, ये काम पे नया नया कुछ आगे बढ़ने के लिए आ रहे होंगे। और जिसको काम आता है उस इंसान को अपडेट होना है, हाँ, और अच्छी लेवल की काम सीखना है तो फोन फिक्स हैदराबाद को आ सकते हैं। और जिसको काम भी नहीं आता, जो बहुत प्रेशर है, वो इंसान भी यहीं पे ज़रूर आना चाहिए। और जो ज़्यादा प्रेशर है वो इंसान को यहीं पे और भी ज़्यादा फोकस करके और उसको और भी ज़्यादा मतलब बिठा के, एक बार नहीं 2 बार नहीं, जितने आप खुद बोर हो जाते हो फिर भी आपको यहीं पर सिखाते रहेंगे। और ऐसी तुमको सीखना है, हाँ, फिक्स होना है। और आपकी लाइफ सार को जितना मैं खुश हो रहा हूँ, उससे भी ज़्यादा सागर सार ने खुश होए, उसको देख के मेरे को भी बहुत अच्छा लगा। तुम टीचर हो के सिर्फ तुम स्टूडेंट की लाइफ नहीं बना रहे हो, तुम उनकी फैमिली की लाइफ बना दे रहे हो। क्योंकि सिर्फ आपको जो इंसान यहाँ पे सीखने आ रहा है उसको सिर्फ उसकी लाइफ में ऐसी काम ही नहीं, काम सिखा ही नहीं सीखना है, उसकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें उसको देखना है, वो सब ना वो यहाँ पे उसको हर कोई चीज़ का यहीं पे एडवाइस मिलेगा। लाइफ में तुम कस्टमर से कैसी बात करना है, कैसे रहना है, तुम्हारे जो दुकान पे शॉप पे कैसी रहना है, तुम यहीं पे स्पेयर कहाँ ले सकते हो, कौन सी जगह पे अच्छा रहेगा, और तुमको यहाँ पे डायग्राम कौन सा अच्छा है, यहाँ पे सॉफ्टवेयर में तुम कौन सा यूज़ करते हो, और हर कोई चीज़ यहाँ पे मिलेगा। और हर कोई चीज़ ऐसे मिलेगा, जेन्यून मिलेगा, ऐसे नहीं कि तुमको जैसे कि तुमको यहीं पे से तुमको सीख लेंगे, सीखते टाइम में अच्छा बताएंगे, और जाने के बाद में वो चीज़ को हर कोई चीज़ को अपडेट होते रहता है। और वैसे तुमको सॉफ्टवेयर में भी अपडेट हो जाता है, और अपनी सर आके अपने को सॉफ्टवेयर सिखाते हैं, और जो भी अपडेट होते रहता है अपने को तुरंत का तुरंत अपने को अपडेट बताते रहते हैं। जो अपनी सागर सर है वो आके अपने को टेक्नीशियन है, बहुत अच्छी टेक्नीशियन है, और बहुत अच्छी टेक्नीशियन होते हुए अपने को बहुत बिजी भी रहते हैं। बहुत अच्छी टेक्नीशियन बोले तो बिजी होना चाहिए, तो होते हुए भी मैं बहुत बार देख चुका हूँ कि क्लास के बीच बीच में उनको बहुत कॉल्स आती है। और कॉल्स में ऐसे नहीं कि बाकी मैंने बहुत सारे इंस्टीट्यूट पे जा गया हूँ, वहीं पे लोग कॉल आती है तो ऐसे जाके बात करके आधे घंटे के बाद में, पर ये सर होते हुए सिर्फ इनको स्टूडेंट की कॉल आती है, और स्टूडेंट की कॉल आके उनको सिर्फ बता देते ऐसे ऐसे करना है, वैसे ऐसे हर कोई चीज़ में ये भी सपोर्ट मिल रहा है। तो अपन भी कैसे इसमें क्या पता चल रहा है कि सर उनकी 100% दे रहे, तो अपन भी अपना 100% दे रहे बोले तो अपन एक सक्सेसफुल बन के ऐसे अपन 0 से लेके हीरो बन के जा सकते हैं। और ऐसे जाने के लिए अपन कहाँ आना चाहिए, फोन फिक्स हैदराबाद में आना चाहिए। क्या बात है भैया, बोल रहे लग रहा है। नहीं सर, मैं खुद होके बोल रहा हूँ, जो मेरे दिल पे वो ही बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं कि कोई मेरे को पैसे दे के बोलने लगा रहा है, ना कि कोई ऐसे नहीं कि बोल रहा है तुमको ऐसे बोलना पड़ेगा, मैं खुद होके बोल रहा हूँ, जो मेरे दिल पे वो ही बोल रहा हूँ। अपन तो स्क्रिप्टेड तो कुछ नहीं करते ना। नहीं सर, इतना कुछ चीज मेरे पहली बोले तो मेरे दिमाग पे कोई भी चीज नहीं बैठते, इतना बड़ा चीज तो देखो जो बोल रहे हैं पहले तो ये रहे हो। और ये जो आने वाले बच्चे या कहीं पे भी आप जाके सीख रहे किसी भी इंस्टीट्यूट में, इन्होंने जैसे बताया कि टीचर हमारा काम देख के खुश हो रहे हैं, तो जब बड़े होते हैं या जिसको आपको चाहते हैं वो लोग, जैसे हमारे माँ बाप भी हैं,
वो खुद खाना नहीं खाते, आप खा लिए तो उनका पेट भर गया ऐसा लगता। बड़े भाई है, माँ बाप है, तो टीचर भी क्या है, सब स्टूडेंट एक जैसे ही रहते हैं सबके लिए। जी सर। तो टीचर अपना 100% बेस्ट दे रहे हैं, इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि स्टूडेंट को भी चाहिए। तो ये चीज हम डे वन भी आपको बताया था कि टीचर भी देंगे और आपको भी क्या करना है, जी सर, देना पड़ेगा, बेस्ट देना है, तब जाके कुछ अच्छा रिजल्ट निकल सकता है आपका। आज आप 20 दिन के बाद में बोल रहे हैं, ये कोई पहले दिन का तो रिव्यू नहीं है ना भाई? नहीं सर, 20 पहले दिन के बाद में की। पहले दिन आप हो सकता है गलत बोल दे, झूठ बोल दे, लेकिन आज लास्ट डे जा रहे हैं तब बोल रहे हैं, और ये अपने दिल से बोल रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि पैसे दे के बिठा दिए इनको, हमारे लिए थोड़ा दो अल्फाज बोल दो भाई, ऐसा तो नहीं है ना? नहीं सर, जो बोल रहे हैं आप लोग दिल से बोल रहे हैं ना? जी सर, दिल से बोल रहे हैं, दिल से बोल रहे हैं, और कुछ मिला तभी बोल रहे हैं ऐसा। जी सर, नहीं तो आप गलत भी बोल सकते, मैं बोल रहा हूँ, लाइव ले रहा हूँ, जाके भी बोल सकते हैं, अभी भी बोल सकते हैं। तो हमारे तरफ से हम बेस्ट दिए कि नहीं दिए सारे टीचर? बेस्ट दिए सर, छोड़ के तो नहीं चले जा रहे थे आपको? नहीं सर, बीच बीच में छुट्टी तो नहीं दे दिए? नहीं सर, आप लोग टूल के लिए जाते बोल रहे तो भी हम रोक रोक के रख रहे हैं आप। हम लोग कभी कभी लेट हो जा रहे थे, फिर हमारे से भी पहले आके तुम यहीं पे बैठे रहे थे सर। हाँ, मैं भी आया तो वेट ही करता हूँ मैं बच्चे आने का। हाँ सर, तो जाते आप लोग टूल खरीदने जाते बोल रहे तो भी रोक रहे, क्योंकि टूल तो आपको व्हाट्सअप करो वो भेज देते भाई, लेकिन जो टाइम में नॉलेज मिल रही ले लेने का रहता आपने, है ना? ठीक है, इनके लिए जोरदार क्लास भाई, थैंक यू वेरी मच। नीरज के लिए मूव ऑन करके आगे जाना है तो सिर्फ फोन फिक्स हैदराबाद में ही हो सके।